हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको थर्माकोल की शीट से पिकॉक बनाना सिखाएंगे। तो पिकॉक बनाने के लिए हमें सबसे पहले थर्माकोल की शीट चाहिए, जिसको मैंने मोटे वाली थर्माकोल शीट को लेकर, है ना, थर्माकोल शीट को लेकर हमने डबल पेस्ट किया ताकि वो और भी मोटी हो जाए, ठीक हो जाए। तो अब हमने इसको क्या किया, हमने पिकॉक की शेप इस पर ड्रॉ की थी, जिसको मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद फिर हमने इसको पेपर कटर का यूज़ करना है। पेपर कटर का यूज़ आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये बहुत ही शार्प होता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी इंजरी वगैरह हो सकती है, कट वगैरह लग सकता है। फिर इसको करने के लिए हमें ऐसे सिंपल आपको कट करनी होती है शेप, कट करेंगे धीरे धीरे जहाँ पे आपने मार्क किया था उसकी एरिए पर। फिर करने के बाद आपको इसकी शेप को डेप्थ दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि आपको ये डेप्थ थोड़ी सी दिखाई दे रही होगी। अब हमको पेपर कटर लेना है और इसको तिरछा तिरछा चलाना है, ठीक। ये इस तरह से हमको चलाना है। इसके पेपर कटर के आप सामने हाथ नहीं रखेंगे बिल्कुल भी, है ना, तो उससे क्या होगा, आपका चोट लगने का खतरा नहीं रहेगा, ठीक है। ये आपका ये रहा, देखिए ये कट हो गया। तो इसी तरह से आपको ये पूरा कट करना है। पूरा कट करने के बाद आपको जो शेप मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, जो मैंने पहले से रेडी करके रखा ये, है ना। ये आपको जो भी डेप्थ है ये सब दिखाई दे रही थी। अब इसके ऊपर हम कोई भी पेपर में शीट का उसके वर्क कर सकते हैं, या डायरेक्ट कलरिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और इसको डेकोरेटिव कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं विद ग्लिटर शीट, है ना, मिरर्स, जो भी आपको सूटेबल लगे या जो भी प्रोवाइडेड है वो चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे कि इसका हम कंप्लीट बनाएंगे क्या। तो ये हमारा बनेगा डोर का एंट्रेंस का, जिसमें दोनों पिकॉक होंगे। इस पिकॉक का ये वाला नहीं है, तो डोंट बी पैनिक। इसमें क्या करेंगे, हम इसका बनाकर लगा देंगे ये अलग से, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, बीच में से कुछ आ जाएगा स्टिक वगैरह, जिससे हम हमारा वॉल डेकोरेट करने के लिए आ जाएगा, ये बंधनवाल जो बोलते हैं, बंधनवाल उसको बना रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे।